नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि फिल्मी किस्से के इस सप्ताह में हम महान गायक मुकेश जी के कुछ सुनी अनसुनी कहानियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। उसी क्रम में ये चौथा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जानेंगे गायक महेंद्र कपूर और मुकेश जी से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा। मुकेश जी की आवाज में जो सादगी थी, वही सादगी उनके वास्तविक जीवन में भी थी। संगीतकार कल्याण जी ने मुकेश जी की इस खूबी को उनकी सबसे बड़ी खासियत बताते थे। कल्याण जी कहते थे, जो कुछ भी सीधे दिल से आता है, आपके दिल को छूता है, वो मुकेश की आवाज है। मुकेश जी की गायकी कुछ ऐसी ही थी। उनकी गायकी की सरलता और सादापन, जिसे कुछ लोगों ने उनकी कमी कहा, हमेशा संगीत प्रेमियों पर असर डालती है। मुकेश जी के गायन में शामिल यह सहजता ओढ़ी हुई नहीं थी, यह उनके व्यवहार में भी शामिल थी। एक मशहूर रेडियो प्रोग्राम में मुकेश जी को याद करते हुए गायक महेंद्र कपूर ने उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाए थे। पहला किस्सा कुछ यूं था कि महेंद्र कपूर को उनके गीत नीले गगन के तले के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, तो किसी और गायक ने उन्हें इस बात के लिए बधाई तक नहीं दी, जबकि मुकेश जी बधाई देने उनके घर पहुंचे थे। मुकेश जी ऐसा तब कर रहे थे जब महेंद्र कपूर उनसे सालों जूनियर थे, या मुकेश जी की सहजता ही थी जो उनके लिए जूनियर सीनियर का भेद पैदा नहीं होने देती थी। इसका एक और उदाहरण है, लता जी फिल्म उद्योग में भी उनसे जूनियर थी और उम्र में भी, लेकिन मुकेश जी उन्हें हमेशा दीदी कहकर बुलाते थे। इसी रेडियो प्रोग्राम में महेंद्र कपूर ने मुकेश जी से जुड़ा एक और किस्सा साझा किया था। एक बार महेंद्र कपूर के बेटे के स्कूल प्रिंसिपल ने महेंद्र कपूर से अनुरोध किया कि वे स्कूल के एक कार्यक्रम में मुकेश जी को बुलवाना चाहते हैं और यदि आप चाहें तो ये हो सकता है। महेंद्र कपूर साहब इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुकेश जी से कार्यक्रम में आने के लिए बात की और साथ ही यह भी पूछा कि वे इसके लिए कितने पैसे लेंगे। कार्यक्रम में आने पर मुकेश जी ने सहमति जता दी और पैसे की बात पर कहा, मैं 3,000 लेता हूँ। इसके बाद मुकेश जी उस कार्यक्रम में गए, गाना गाया और मजेदार बात यह रही कि बिना रुपए लिए ही वापस आ गए। अगले दिन जब उन्होंने महेंद्र कपूर को बताया कि कल बच्चों के साथ स्कूल में बहुत मजा आया, तो महेंद्र कपूर ने उनसे पूछा कि आपने रुपए तो ले लिए थे ना, तो मुकेश जी ने आश्चर्य जताते हुए पूछा, कैसे रुपए? महेंद्र कपूर ने कहा कि आपने जो कहा था कि 3,000 रुपए। इस पर मुकेश जी बोले, मैंने कहा था कि मैं 3,000 लेता हूँ, पर यह नहीं कहा था कि 3,000 लूंगा। महेंद्र कपूर मुकेश जी की इस बात पर भावुक हो गए। मुकेश जी ने महेंद्र कपूर से कहा कि कल को अगर नितिन तुम्हें अपने स्कूल में बुलाएगा तो क्या तुम उसके लिए पैसे लोगे? तो दोस्तों, कुछ ऐसे थे महान गायक मुकेश जी। उम्मीद करते हैं कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज इसे शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।